धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लाला लाजपत राय धर्मशाला जेल में लगभग 9 माह तक रहे थे, इसलिए धर्मशाला जेल का नाम उन पर रखा गया है। जो विषय काफी अरसे से चल रहा था आज से पूरा किया गया है। सीएम धर्मशाला जेल के लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह कर नामांकन का शुभारंभ और जेल में नवनिर्मित प्रशासनिक ब्लॉक का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि लाला लाजपत राय धर्मशाला जेल में लगभग 9 महीने तक रहे थे, उनके नाम पर धर्मशाला जेल का नाम होना चाहिए, जो विषय काफी अरसे से चल रहा था जिसे आज पूरा किया गया। सीएम ने धर्मशाला जेल के लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह पर नामांकन कर इसका शुभारंभ किया और जेल में नवनिर्मित प्रशासनिक ब्लॉक का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए भी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में लाला लाजपत राय का बहुत अधिक योगदान रहा है, उनकी स्मृति में धर्मशाला जेल का नाम लाला लाजपत राय के नाम पर किया गया है। लाला लाजपत के आजादी के आंदोलन में सहयोग के लिए एक सही मायने में श्रद्धांजलि हमारी तरफ से होगी। धर्मशाला उपचुनाव में प्रत्याशी कौन होगा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी होगा चेहरा अच्छा होगा जो कि आपको पसंद आएगा। सीएम ने कहा कि आज संगठन की बैठक से पहले अधिकारियों की बैठक होगी। संगठन की बैठक में पार्टी की गतिविधियां सहित प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा की संभावना है। इसके अतिरिक्त देश भर में चल रहे पार्टी के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। लाला लाजपत राय जी इस जेल में रहे हैं और लगभग 9 महीने रहे और उनके नाम पर इस जेल का नाम होना चाहिए, उस दृष्टि से ये काफ़ी अरसे से ये विषय चला हुआ था और आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो काम पूरा किया गया। और लाला लाजपत राय देश की आज़ादी के लिए उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ इस जेल में वो कैदी के रूप में रहे और उस दौरान रहे जब देश में अंग्रेज़ों का राज था और उस लंबे संघर्ष के बाद भारत आज़ाद हुआ और उनकी स्मृति में आज हमने यहाँ पर इस जेल का नाम और उसके साथ साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इसका जो है वो भी बन करके तैयार हुआ, उसका भी विधिवत उद्घाटन किया। और मैं समझता हूँ कि ये लाला लाजपत राय जी को जो है सही मायने में जो है एक उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए वो एक श्रद्धांजलि हमारी तरफ से है। बैठक में जो होगा वो तो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन बातचीत होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इससे पहले हमारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक मीटिंग है, रिव्यू मीटिंग है अधिकारियों के साथ, उस बैठक में भी रहेंगे। उसके बाद संगठन के लोगों के साथ भी हम हमारा पार्टी का मेंबरशिप का अभियान पूरे देश भर में चल रहा है उसके संदर्भ में भी बातचीत होगी। और उसके साथ साथ में जिस बात का जिक्र आप लोग कर रहे हैं धर्मशाला का, तो उस बारे में भी बात होने की संभावना है। चेहरा जो है वो अच्छा होगा, आप पसंद करेंगे। जी जी बस मैं आपने ध्यान में लाया ये विषय, अभी ध्यान में हमारे पहले था नहीं ये विषय, जैसे आपने ध्यान में लाया है कि इस प्रकार का कोई हमको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। मैं देखो जब तक किसी चीज़ की सही जानकारी और उचित मतलब फैक्ट्स जो है उसके जो है वो हमारे पास नहीं है तो उस बारे में बोलना चाहिए, पता करूंगा, जानकारी मिली है पता करेंगे।